एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़हीम। वेलकम बैक टू द चैनल फ़हीम ब्लॉग्स। टॉपिक है आज का, अगर किसी बकरे के बॉडी पर कहीं पर भी जख्म हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें साथी उसका कैसे फर्स्ट एड करनी चाहिए और कैसा उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी वहाँ से सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर साथियों बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में किसी भी पशु के अगर हल्का सा भी कुछ लग जाता है, कोई धातु पदार्थ लग जाता है या कोई चोट लग जाती है और वहाँ पर स्किन जो है साथियों घिस जाती है या जख्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि नमी का मौसम है और मैगट्स पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक हमने सबसे पहले इसकी टांग में जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा जख्म है और कुछ इसमें फर्स्ट टाइप निकला वो उसकी हमने सफाई की है और बीटाडिन के द्वारा, और आई थिंक अब जो इसको हम सेविंग करने वाले हैं। ताकि किसी भी पशु की कहीं पर भी बॉडी में जख्म है और वहाँ पर बाल, वहाँ पर हेयर ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो जख्म पे ट्रीट करने से पहले सबसे पहले वहाँ के आपने हेयर रिमूव करने होंगे और जिससे कि जख्म जो है साथियों जल्द से जल्द भर सके और आधा संक्रमण जो है साथियों आधा इन्फेक्शन जो है बालों के द्वारा जाता है। तो वहाँ पर कोई भी पट्टी करने से पहले या जख्म को ठीक करने से पहले वहाँ पर उसकी सेविंग कर लें और अच्छी तरह उसकी धुलाई करके साफ़ सफाई करके बीटाडिन के द्वारा, और फिर हमें वहाँ पर बैंडेज लगानी चाहिए। यहाँ पर मैं बैंडेज करने वाला हूँ और बैंडेज के लिए हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, तो सबसे पहले हम अच्छी तरह सेविंग बना लेंगे और उसके बाद इसके बालों को रिमूव करके अच्छी तरह बीटाडिन से इसको साथियों घोल लगाएंगे। चाहे आप पे पोटेशियम परमैंगनेट हो उससे भी आप इसका घोल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने अप्लाई बीटाडिन किया है। तो बीटाडिन से आप अप्लाई करके इसको अच्छी तरह धोते तो यहाँ पर आपने बैंडेज करनी है क्योंकि इसमें पस जो है साथियों ज़्यादा नहीं निकला और सूज स्वेलिंग ज़्यादा है और इसमें साथियों रैप्चरिंग हुई है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 6 इंच की 2 बैंडेज ली हैं और वहाँ पर मैंने हल्का सा गोज बना के, और एक DC पाउडर आता है जिसका नाम है डाइक्रिस्टासिन, साल्ट होता है इसमें, स्टेप्टोपेंसिलिन 2.5 ग्राम का आता है, आधा पाउडर लेके मैंने इसकी साथियों हर दो दिन में आपने पट्टी करनी है। तो डाइक्रिस्टासिन एक ड्राई फॉर्म में होता है और ये काफ़ी अच्छा है एंटीबायोटिक है, जख्म अगर कहीं पर भी बॉडी में जख्म है और उसमें किसी तरह का पस टाइप ज़्यादा ना हो तो वहाँ पर आप DC पाउडर भर के आप उसको अच्छी तरह पट्टी कर दें और 2 दिन के बाद उसको फिर खोलें तो इंशाल्लाह जख्म जो है बहुत आराम मिलेगा। अब यहाँ पर मैं इंजेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपने इंजेक्शन जो लगाना है वो इंजेक्शन आपने सबसे पहले लेना है DC, जो डाइक्रिस्टासिन, आपने DC से पट्टी भी करनी है और डाइक्रिस्टासिन 2.5 ग्राम का लेना भी है। 2.5 ग्राम अगर साथियों 35 से 40 किलो बॉडी वेट है तो 2.5 ग्राम का आता है, तो 1 ग्राम आपको अप्रॉक्सीमेटली लगाना है। 1 ग्राम साथियों लगभग 3 ml पानी में उसको डाइल्यूट कर लें, यानी किसी बर्तन की सहायता से आप उसको पाउडर फॉर्म में उसके सील को हटाकर आप कटोरी में निकाल लें और उसको 3 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाइल्यूट करके अच्छी तरह घोल के वो इंजेक्शन बन जाएगा और उसके बाद हमें इंटरमस्कुलर लगाना है। ये लगातार 3 से 4 दिन तक लगाना है और जितना भी गहरा जख्म है या स्वेलिंग है और जख्म नहीं भर पा रहा है तो साथियों ये हर उसमें काम करेगा। डाइक्रिस्टासिन जो एक अपर क्लास का एंटीबायोटिक है और बहुत ही अच्छा काम करता है, कहीं पर स्वेलिंग हो जाती है या जख्म हो जाता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। आप डाइक्रिस्टासिन को एविल में भी घोल सकते हैं या डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं, डिस्टिल वाटर भी बेटर रहता है और एविल काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इंजेक्शन भी बन जाता है उससे और उसका एक इंजेक्शन कम भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसको डाइक्रिस्टासिन दिया है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इसको मैं डाइक्रिस्टासिन साथियों ये किसी कटोरी में मैंने निकाल लिया है और उसको अच्छी तरह हमने पहले घोल करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 ml साथियों क्योंकि इसमें वेट कम है तो मैंने 2 ml इसको CPM लिया है जिसमें क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट होता है और इसको अच्छी तरह घोल के हमें साथियों अब इंजेक्शन के रूप में बन जाएगा और सिरिंज में लोड करके तब हमें बकरे को इंसर्ट करना है, इंट्रामस्कुलर लगाना है बेसिकली। और ध्यान रखें जब भी DC को लगा रहे हैं आप तो जब बॉडी में आप उस निडल को इंसर्ट कर देंगे तो पीछे आपको सिरिंज दोबारा पुशअप करना है कि किसी तरह का ब्लड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर साथियों ब्लड में लग जाता है, कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि नस गर्दन की जो नसें होती हैं उसमें सुई लग जाती है और ब्लड बाहर आने लगता है, तो आप उसको पहले इंजेक्शन लगाने से पहले अच्छी तरह उसको खींच लें उसके बाद आप इंसर्ट करें और इस तरह से आप लगाएं। और यहाँ पर मैं एनाल्जेसिक की बात करूँ तो यहाँ पर साथियों मैंने मैग्लोडाइन इसको 2 ml मैग्लोडाइन दिया है और एविल मैं इसको लगा चुका हूँ पहले ही, तो दर्द के लिए मैंने मैग्लोडाइन दिया है इसको और
आप मेलोनेक्स भी इसकी जगह दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसका फर्स्ट एड करना है। ये लगातार आपने डीसी जरूर लगाना है। अगर बकरे की एंटीबायोटिक लगने के साथ साथ ही उसकी भूख कम हो जाती है तो उसमें आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद सीपीएम भी आप उसको लगा सकते हैं। हालांकि अभी दो दिन के बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे, कैसा रिजल्ट है, मैं रिकवरी की वीडियो भी डालूंगा। और तो इस तरह से आपने इलाज करना है, कभी भी लापरवाही नहीं करी। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको लापरवाही कर दी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जख्म हो गया। और यहाँ पर पट्टी आप जब करें तो साथियों किसी भी प्रकार का उस पर पानी या धूल में पानी नहीं जाना चाहिए बेसिकली, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा साथियों कीटाणु और इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं और बॉडी फूल भी जाती है। तो पानी का आपने ध्यान रखना है। और दर्द के लिए आप मेलोनेक्स भी लगा सकते हैं या मैग्लोडाइन भी लगा सकते हैं या कीटोप्रोफिन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप फील्ड में इलाज करें। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी से मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है, मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी उसको आप जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।